मैं राज बहादुर यादव रिजल्ट मित्रा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक एक टॉपिक बहुत ही परफेक्शन के साथ और क्लियरिफिकेशन के साथ आप लोगों ने देखा होगा अभी तक की क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा है मैक्सिमम चीजें आपकी धीरे धीरे कवर हो गई। अब छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, जो छोटे छोटे हमारे सेगमेंट बचे हुए हैं, उन सेगमेंट पे हम काम करेंगे। जैसे विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, आपकी वर्तनी हो गई, वाक्य हो गया, विराम चिन्ह हो गया, ये पांच टॉपिक आपके और हिंदी की बोली, ये छह टॉपिक आपके लगभग शेष हैं। तो पहले इन टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, फिर दिन आरओ यारओ में जो स्पेशलाइजेशन के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे चर्चाएं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विराम चिन्ह। क्या शुरू करेंगे भाई? विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह में अगर आपसे पूछ लिया जाए विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बता देंगे, आप बता देंगे, हम ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे। अब जरा यहां ध्यान से देखो, विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना, या इसी को हम क्या कहते हैं, ठहरना। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या मिल गया मेरे बच्चों? रुकना या ठहरना। और विराम चिन्ह की अगर बात करें तो जिन स्थलों पर हम रुकते हैं वहां पे जो चिन्ह लगाया जाता है उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। तो चलिए एक लाइन में परिभाषा लिख लीजिएगा, एक लाइन में परिभाषा नोट करिए मेरे बच्चे, भावों और विचारों को, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन स्थलों पर रुकते हैं उन्हें विराम कहते हैं, तथा उन स्थलों पर लगने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त, जिन स्थलों पर हम रुकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा उसे विराम कहा जाता है, और उन स्थलों पर लगने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? तो आप बताएंगे विराम चिन्ह कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले
इस विराम चिन्ह का प्रयोग अगर गलत जगह पे हम लगाते हैं तो उस अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो यहां आगे नोट कर लो बेटा, विराम चिन्ह का प्रयोग यदि गलत स्थान पर लग जाए, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अगर गलत जगह पे चिन्ह लग गया मेरे बच्चे तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपके बोर्ड पे लिखा गया है रोको मत जाने दो, क्या लिखा गया है रोको मत जाने दो, एक वाक्य। दूसरा वाक्य जरा ध्यान से देखो बेटा, ये रेड कलर से लिख दे रहा हूं इसे, रोको मत जाने दो। यहां पे जो वाक्य लिखे गए हैं भैया, इन वाक्यों की अगर हम बात करें तो दोनों वाक्य जो आपको दिख रहे हैं एकदम समान दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं भाई, एकदम समान दिख रहे हैं। तो भैया यहां एकदम अगर समान दिख रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं, केवल और केवल पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयुक्त है। अब इनके आशय अलग अलग करने के लिए यहां देखो भाई, हमने कहां लगाया है विराम चिन्ह, अल्प विराम का प्रयोग किया है, कहां पे किया है मेरे बच्चे, तो आप बताएंगे मत के बाद, और यहां पे हमने कहां किया है रोको के बाद। अब दोनों का अर्थ क्या, पहले में कह रहा रोको मत जाने दो, यहां क्या कह रहा है रोकने के लिए कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है भैया, रोकने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है रोको मत, किसी व्यक्ति को आप रोको मत जाने दो, तो दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है जाने के लिए कह रहा है। अब देखो किसके वजह से अंतर हुआ मेरे बच्चों, तो आप बताएंगे विराम चिन्ह की वजह से, किसकी वजह से, तो भैया आपका आंसर होगा विराम चिन्हों के प्रयोग की वजह से हमारा क्या हो गया है, अंतर हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, अगर हम लोग समझ गए हैं तो इसके आगे बढ़ा जाए। बोलो मेरे बच्चों, ये विराम चिन्ह अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ जाएं, तब हम आपको और उदाहरण दें भाई। अगर ये विराम चिन्ह आपके जेहान में बैठ गया है, आपके मन और मस्तिष्क में बैठ चुका है, तो हम लोग आगे बढ़ें। तेजी से कमेंट करके बताएं यस, जैसे ही आप यस करेंगे मेरे बच्चे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आपका आंसर आएगा यस, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए आगे कुछ पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए भैया। कामता प्रसाद गुरु, जिन्हें व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु, इन्हें क्या कहा जाता है भाई, तो आप यही नोट कर लो बेटा,
व्याकरण का पाणिनि, संस्कृत व्याकरण उसी तरह से हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पाणिनि को कहा जाता है, तो कामता प्रसाद गुरु को इन्हीं की उपाधि दी गई, व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिह्नों की संख्या, विराम चिह्नों की संख्या, विराम चिह्नों की संख्या 20 माना है, विराम चिह्नों की संख्या 20 माना है, जिसमें हिंदी का अपना केवल एक विराम चिन्ह पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम है, बाकी सभी विराम चिन्ह, बाकी सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से, बाकी सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए हैं। पूर्ण विराम दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण विराम दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, इकहरे पूर्ण विराम के लिए, इकहरे पूर्ण विराम के लिए, एक खड़ी पाई, एक खड़ी पाई तथा दोहरे पूर्ण विराम के लिए, दोहरे पूर्ण विराम के लिए दो खड़ी पाई का प्रयोग, दो खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। कलकत्ता में, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी की स्थापना के बाद 19वीं शताब्दी में
19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की संपर्क में अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद अन्य विराम चिन्हों का अन्य विराम चिन्हों का प्रयोग चिन्हों का प्रयोग हिंदी में होने लगा हिंदी में होने लगा। 19वीं शताब्दी के पूर्व में मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल एक विराम चिन्ह था आपका इकहरा पूर्ण विराम और दोहरा पूर्ण विराम। इसके अतिरिक्त आपके 19 पूर्ण विराम 19 विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता था, केवल और केवल अंग्रेजी में किया जाता था। लेकिन जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है 1800 ईस्वी में, उसके बाद जब हम लोग अंग्रेजों के संपर्क में आए, तो अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे ये विराम चिन्ह हमारी हिंदी भाषा ने अपना लिया और आज की डेट में इन विराम चिन्हों को हिंदी भाषा में पूर्ण मान्यता प्रदान कर दी गई है। क्या कर दी गई है? हिंदी भाषा में इन पूर्ण विराम चिन्हों का पूर्णतः मान्यता प्रदान कर दिया गया है। अगले पॉइंट पे आइएगा, हिंदी में विराम चिन्ह, हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह। तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में जो प्रचलित विराम चिन्ह है उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हम उन नामों को लिखते जा रहे हैं और तेजी के साथ आप कमेंट बॉक्स में उन विराम चिन्हों को लिखते चलिए। हम शब्द लिख रहे हैं और आप उन विराम चिन्हों को तेजी के साथ लिखेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको दिया गया है पूर्ण विराम। कौन सा विराम? मेरे प्यारे बच्चे पूर्ण विराम लिखा गया। इसी के आगे आप चिन्ह बनाते जाओ तेजी के साथ। दो नंबर पे लिखा गया अल्प विराम। तीन नंबर पे लिखा गया अर्ध विराम। चार नंबर पे लिखा गया है उपविराम। पांच नंबर पे लिखा गया है प्रश्नवाचक। छह नंबर पे लिखा गया है विस्मय सूचक। सात नंबर पे लिखा गया है लोप चिन्ह। तेजी के साथ इन विराम चिन्हों को आप लिखें। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है मेरे बच्चे? तो 20 मानी है। इन 20 चिन्हों को आपको लिखना है।
जितना आप जानते हैं तेजी के साथ लिख के हमें दिखा दीजिए। लोप चिन्ह के बाद आपका लाघव चिन्ह, समतुल्य चिन्ह, विभाजक हंस पद, योजक निर्देशक रेखांकन, विवरण चिन्ह, कोष्ठक परिणत सूचक चिन्ह, परिणत सूचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, अपूर्णता सूचक चिन्ह, अपूर्णता सूचक चिन्ह, इतने चिन्ह आपके बोर्ड पे आए हैं भैया, इनको जरा क्रम से देख लो भाई। सबसे पहला चिन्ह आपका पूर्ण विराम। पूर्ण विराम दो प्रकार के होते हैं, इकहरा पूर्ण विराम और दोहरा पूर्ण विराम। दूसरे नंबर पे क्या है आपका अल्प विराम। तीसरे नंबर पे क्या है आपका अर्ध विराम। चौथे नंबर पे क्या है आपका उप विराम। अगला प्रश्नवाचक, नेक्स्ट विस्मय सूचक, नेक्स्ट लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह, समतुल्य चिन्ह, विभाजक चिन्ह, हंस पद, इसी का दूसरा नाम क्या है आप बताएंगे त्रुटि बोधक। हंस पद को और किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चे, आप बताएंगे इसे त्रुटि बोधक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि बोधक। नेक्स्ट योजक चिन्ह, योजक से थोड़ा सा बड़ा निर्देशक, निर्देशक से बड़ा रेखांकन। रेखांकन के बाद आपका नंबर आता है किसका भाई, आप बताएंगे कोष्ठक का। किसका आता है? कोष्ठक का, नहीं विवरण चिन्ह लिखा गया है भाई। तो विवरण चिन्ह आपका इस तरह से बना होता है बेटा, कोष्ठक। आपके चार प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ तीन प्रकार दर्शाया गया है। परिणत सूचक चिन्ह इस तरह से बना होता है, उद्धरण चिन्ह इकहरा भी होता है मेरे बच्चे और दोहरा भी होता है। एक तरफ 66 लिखते हैं, दूसरे तरफ हम 99 लिखते हैं। अपूर्णता सूचक, तो अपूर्णता सूचक में क्या होता है भैया, इस तरह से बना हुआ होता है। अपूर्णता सूचक में क्या करते हैं, या तो तीन बार क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, या तो तीन बार दो का चिन्ह लगाते हैं, या तो तीन बार धन का चिन्ह लगाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्णता सूचक कहते हैं। और 20 नंबर पे आपका समाप्ति सूचक, कौन सा सूचक मेरे बच्चे, समाप्ति सूचक।
समाप्ति सूचक। इस समाप्त सूचक का जो चिन्ह बना होता है भैया, यहाँ पे क्या होता है, दोनों तरफ से एक लाइन खींच के ये जीरो लगा देते हैं या क्रॉस लगा देते हैं या तो आप स्टार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्टार बना लेते हैं। तो ये तो रहे आपके हिंदी में प्रचलित 20 विराम चिन्ह। कितने विराम चिन्ह मेरे बच्चे? 20 विराम चिन्ह। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट पे आ जाओ। यहां पे एक प्रश्न लिख रहा हूं हिंदी में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा है का मतलब है यहां आपके बीच चार विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी, ये चार विकल्प हैं। पहले विकल्प में आपका लिखा गया है अल्पविराम, दूसरे में लिखा गया है पूर्ण विराम, तीसरे में लिखा गया है समाप्ति सूचक, और चौथे में लिखा गया है योजक चिन्ह। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका यहां पे देखते हैं आंसर क्या आता है, यहां पे देखते हैं क्या आंसर आता है। ये चार आपके बॉक्स बने हैं, जो इसमें सही है उसका आंसर तेजी के साथ हमारे बच्चों का आ जाना चाहिए। जो आपका सही है उसको जल्दी से लेके आ जाओ भाई, तेजी के साथ आपका आंसर आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे जरा ध्यान से देखो, योजक चिन्ह होता नहीं, समाप्ति सूचक है नहीं, पूर्ण विराम नहीं है बेटा, बल्कि है कौन सा? अल्प विराम है। एक प्रश्न हमने आपको विराम चिन्ह से दिया है और उसका आंसर क्या होगा? पहला ए विकल्प होगा। कौन सा विकल्प होगा भाई? ए विकल्प आपका आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी तरह से आपके विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे विराम चिन्ह से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आसानी से अब आंसरित कर उत्तरित कर सकते हैं। अगली हेडिंग हमारे बच्चों का होगा, अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे वाक्य। क्या बनाएंगे भाई? अगली हेडिंग आपकी होगी वाक्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए वाक्य की परिभाषा, क्या पूछ ली जाए भैया? वाक्य की परिभाषा। वाक्य की अगर आपको परिभाषा लिखनी होगी तो क्या लिखोगे? तेजी से आंसर करके बताओ भाई। वाक्य की अगर परिभाषा दे दी जाए तो क्या बताएंगे? यहां ध्यान से देखो, ध्वनियों या वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह शब्द कहलाता है
शब्द कहलाता है तथा शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ ला लिखा गया है, का लिखा गया है और मा लिखा गया है। क्या है भैया? ला लिखा गया है, का लिखा गया है और मा लिखा गया है। ये आपके क्या हैं? वर्ण है या ध्वनि है। इनको अगर हम व्यवस्थित कर दें, हमें पहले का मिल जाएगा, ला मिल जाएगा और मा मिल जाएगा। अब क्या दी मिल गया आपको? कलम मिल गया। तो कलम क्या कहलाता है? आपका शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? कलम आपका क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लेकिन बेटा ध्वनियों या वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह क्या कहलाया? आपका शब्द कहलाया। शब्द से जब हम वाक्य का निर्माण करते हैं तो शब्दों का व्यवस्थित समूह, जैसे हम आपको दे दें है लिखा, पत्र, कलम से गया, ये इतने शब्द आपको दे दिए गए। इन शब्दों से क्या वाक्य की रचना हो जाएगी? नहीं मेरे बच्चों, इन शब्दों से वाक्य की रचना नहीं होगी। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को हम क्या कर दें, व्यवस्थित कर दें और क्रम से कर दें तो क्या कहलाएगा? हमारा वाक्य कहलाएगा। सबसे पहले यहां क्या ले आओ, कलम ले आ दिया हमने। कलम के बाद हमने क्या किया, संज्ञा के बाद कारक चिन्ह जोड़ दिया कलम से। फिर इसके बाद क्या ले आया भैया? कर्म को ले आया, पत्र। फिर लिखा आपकी क्या है? क्रिया है। गया है आपकी क्या है? सहायक क्रिया है। अब देखो भाई, ये वाक्य का निर्माण हो गया कि नहीं? कलम से पत्र लिखा गया है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन ये आपका ऊपर वाला वाक्य नहीं है। अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे वाक्य के तत्व। क्या बनाएंगे? वाक्य के तत्व। जल्दी से आंसर करके बताओ बेटा, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के तत्व, तेजी से हमारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? देखते हैं हमारे किस बच्चे का सही आंसर आता है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के कितने तत्व होते हैं देखना है मेरे प्यारे बच्चों, किन किन बच्चों का सही सही आंसर आता है। अब आपको देख के अंदाजा लग गया होगा भैया वाक्य के कितने तत्व होते हैं। आप बताएंगे वाक्य के 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं भाई? वाक्य के 6 तत्व होते हैं। ये 6 तत्व हैं कौन कौन से, कोई बच्चा हमारा बता सकता है भाई? नंबर एक आप बताएंगे सार्थकता। नंबर दो आपका है बेटा क्रम या पद क्रम। क्या है? क्रम या पद क्रम। नंबर तीन योग्यता। नंबर चार आकांक्षा। नंबर पांच निकटता। इस निकटता को हम और किस नाम से जानते हैं? निकटता का अन्य नाम क्या होता है? और नंबर छह अन्वय। हम उम्मीद करेंगे निकटता को हमारे बच्चे तेजी से कमेंट कर रहे होंगे। निकटता,
निकटता को हम और किस नाम से जानते हैं? तो मेरे बच्चों का आंसर होना चाहिए यहाँ आसक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? आसक्ति कहते हैं। तो ये तो वाक्य के तत्व हैं। क्या है भैया? वाक्य के तत्व हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे वाक्य के अंग। वाक्य के अंग। अब अगर आपसे कोई पूछे वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भाई? आपका आंसर होगा वाक्य के दो अंग होते हैं। ये दो अंग कौन कौन से हैं? ये दो अंग जो हैं मेरे बच्चे, ये कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा एक हमारा है उद्देश्य। क्या है मेरे बच्चों? एक अंग हमारा क्या है? उद्देश्य है। और दूसरा अंग क्या है? तो आपका आंसर होगा विधेय है। क्या है भैया? उद्देश्य और विधेय। अब मेरे प्यारे बच्चे उद्देश्य किसे कहते हैं? तो यहां परिभाषा नोट करो। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता का विस्तार आता है। कौन आता है भैया? तो आप बताएंगे कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आता है। उद्देश्य एक शब्द या एक से अधिक शब्द में हो सकता है, मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैं कहूं मोहन खेलता है, अब अगर आपसे कोई पूछे इस वाक्य में आपका उद्देश्य क्या है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है भाई? मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो मोहन आपका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। बाकी जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा? आपका विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? विधेय कहलाएगा। तो विधेय की परिभाषा लिखो। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। उसे
विधेय कहते हैं। इसके अंतर्गत क्रिया का विस्तार आता है। क्रिया तथा क्रिया का विस्तार आता है। आप देखो भाई, वही वाक्य हमें इधर दोहरा रहे हैं, मोहन खेलता है। भाई यहां मोहन आपका क्या है? उद्देश्य है, लेकिन खेलता है क्या है? आप बताएंगे विधेय। ये आपका क्रिया है, या क्रिया का विस्तार क्या कहलाता है? आपका विधेय कहलाता है। और जो कर्ता होता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसे हम उद्देश्य कहते हैं। आपको उद्देश्य भी मिल गया, आपको और क्या मिल गया भाई? विधेय भी मिल गया। उद्देश्य विधेय, दो चीजें आपके पास हो गई। अब अगली हेडिंग आती है आपकी, अगली हेडिंग आपकी क्या आती है भैया? वाक्य के भेद। किसके भेद भाई? वाक्य के भेद। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे वाक्य के भेद। अब अगर आपसे कोई पूछ ले वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे बता देंगे। हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे बता देंगे वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे वाक्य के दो भेद होते हैं। एक आपका कौन सा है बेटा? आप बताएंगे रचना के आधार पर। किसके आधार पर वाक्य भाई? तो आपका आंसर होगा रचना के आधार पर। और दूसरा आपका भेद कौन सा है? तो मेरे बच्चों का आंसर होगा अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य। एक आपको किसके आधार पर मिल गया भैया? रचना के आधार पर। दूसरा क्या मिल गया आपको? अर्थ के आधार पर। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया रचना के आधार पे वाक्य के कितने भेद होते हैं, आप बताएंगे तीन भेद होते हैं। पहला भेद कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सरल या साधारण वाक्य। कौन सा वाक्य? सरल या साधारण वाक्य। दूसरा वाक्य कौन सा है? दूसरा वाक्य कौन सा है? हमारे बच्चों का आंसर होगा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य भाई? संयुक्त वाक्य। और तीसरा वाक्य कौन सा है? हमारे बच्चों का आंसर होगा मिश्र या मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य? मिश्र या मिश्रित वाक्य। वाक्य आपके कितने प्रकार के भैया? तो आपका आंसर होगा दो प्रकार के, रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे। और रचना के आधार पे कौन कौन से वाक्य? आप बताएंगे सरल या साधारण वाक्य। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आप आए, जहां पर एक कर्ता और एक समापिका क्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है आपका? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे आपसे कहें छाया गई और पूनम आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे किसको भेज रहे हो? छाया को भेज रहे हो और पूनम को बुला रहे हो। किस शब्द के द्वारा इसे जोड़ा गया है भैया? आप बताएंगे और के द्वारा जोड़ा गया है।
किसके द्वारा जोड़ा गया है? और के द्वारा जोड़ा गया है। तीसरा वाक्य आपका क्या है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। यहां दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है और जिसमें एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा गौण वाक्य होता है। मालिक ने कहा कि, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, कल छुट्टी, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो भाई, एक वाक्य आपका क्या है? मालिक ने कहा। दूसरा वाक्य क्या है? कल छुट्टी रहेगी। और इसको किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो आप बताएंगे की के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पे किसके द्वारा जोड़ा गया था? और को। यहाँ पे मालिक ने कहा आपका मुख्य वाक्य है और दूसरा कल छुट्टी रहेगी एक ऐसा वाक्य है, मेरे बच्चे आप बताएंगे एक गौण वाक्य है। अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे, कौन सा वाक्य हेडिंग तो बनी है, अर्थ के आधार पर वाक्य। अगर अर्थ के आधार पर वाक्य पूछा जाएगा तो आप बताएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर कितने मिले हैं भैया? आपको तीन मिले हैं। तो जरा देख लो भैया, अर्थ के आधार पर आठ वाक्य कौन कौन से होते हैं? कितने वाक्य की बात कर रहा है भाई? आठ वाक्य की। तीन, चार, पाँच, छ, सात और ये आठ वाक्य। आठ प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला आपका क्या है? पहला वाक्य आपका विधिवाचक या विधानार्थक। कौन सा बेटा? विधिवाचक। इसी को हम क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। विधिवाचक या विधानार्थक वाक्य। अगला है संदेहवाचक। संदेहवाचक या इसे और किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा संदेहार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य भैया? संदेहार्थक वाक्य। नेक्स्ट है आपका निषेधवाचक। इस निषेधवाचक को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य। अगला कौन सा है आपका भैया? तो आप बताएंगे आज्ञावाचक। किसका? आज्ञावाचक। इस आज्ञावाचक को हम और किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा आज्ञार्थक वाक्य। क्या होगा भैया? आज्ञार्थक वाक्य। नेक्स्ट आपका है विस्मय सूचक। विस्मय सूचक। इस विस्मय सूचक को हम और किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य। नेक्स्ट आपका संकेतवाचक। संकेतवाचक को हम और किस नाम से जानते हैं भैया? आप बताएंगे संकेतार्थक वाक्य। कौन सा वाक्य भाई? संकेतार्थक वाक्य। नेक्स्ट इच्छावाचक। इस इच्छावाचक को और किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा इच्छार्थक वाक्य। और कौन सा है? आप बताएंगे अंतिम आठवां है प्रश्नवाचक वाक्य। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो आपका आंसर होगा प्रश्नार्थक वाक्य। ये तो आपके वाक्य के भेद और प्रभेद थे मेरे बच्चे। क्या थे? वाक्य के भेद और प्रभेद थे। इनको आपने देख लिया है भाई। इसमें कुछ चीजें आपकी छोड़ी गई हैं, इसलिए छोड़ी गई हैं
हम इनके विषय में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। आपके यूपी पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए वाक्य के साथ इसको हमने आपको बता दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, ये तो आपका क्या हो गया, वाक्य हो गया। दो चीजें, दो टॉपिक आज की डेट में आपने क्लियर किया है। कितने? दो टॉपिक आज की डेट में आपने क्लियर किया है। एक टॉपिक आपका क्या था, विराम चिन्ह था, और दूसरा टॉपिक क्या है, आपका वाक्य है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम उम्मीद करेंगे आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो यहां एक पॉइंट और लिख लेना मेरे बच्चे। यहां पे देखो, जो संयुक्त वाक्य जोड़े जाते हैं उन किनके किनके द्वारा जोड़े जाते हैं, किन किन शब्दों के द्वारा जोड़े जाते हैं, चाहे वो और मिले या मिले, या किंतु मिले, या परंतु मिले। अगर इनसे जुड़ा हुआ वाक्य है आप बताएंगे संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? और मिल जाए, या मिल जाए, किंतु मिल जाए, परंतु मिल जाए, ये किससे जुड़े वाक्य होंगे, कौन से वाक्य होंगे, तो आप बताएंगे संयुक्त वाक्य। इसमें और क्या आ सकता है, तो आप बताएंगे लेकिन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? लेकिन आ सकता है। लेकिन अगर जहां पे किस से जुड़ा हो, ज्यों से जुड़ा हो, त्यों से जुड़ा हो, ज्यों से जुड़ा हो, त्यों से जुड़ा हो, यद्यप से जुड़ा हो, यद्यप से जुड़ा हो, जिसकी से जुड़ा हो, तो वहां पे कौन सा वाक्य होगा? तो हमारे बच्चों का आंसर होगा वहां पे मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा भैया? मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के डेट में यहीं पे हमें क्लास समाप्त करने की दीजिए इजाजत। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट टर्न पे, तो एक नया नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।